नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही सस्ता और रीज़नेबल रेट पे बहुत ही शानदार एक मकान जो कि काशीपुर की बहुत ही पॉश कॉलोनी में है। बहुत ही अच्छी कॉलोनी है और ये बहुत ही डेवलपिंग कॉलोनी है। आपको हम दिखा रहे हैं इसको चारों तरफ, बहुत ही अच्छे अच्छे हाई लोकेलिटी के मकान यहाँ पर बने हुए हैं। और इस लोकेलिटी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक छोटा सा मकान जो कि एक फ़ैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी प्रॉपर्टीज़ और मेरा नाम है रविंद्र। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको घर और उसकी लोकेशन और उसके प्राइस के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है इसका फ्रंट घर का और ये फ्रंट मिल जाता है आपको 10 फिट का। और जो इसकी आगे जो इसकी लेंथ है, जो इसकी गहराई है आगे, वो है 55 फिट। और 55 फिट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है। और चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ये छोटा सा एक तरीके की लॉबी मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। साइड में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, पानी की कोई भी समस्या नहीं है। ग्राउंड वाटर आता है, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पानी सोसाइटी वाले भर के देंगे। जब मर्जी आप यहाँ से स्विच ऑन कर सकते हैं और अपनी टैंक को फिल कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर छत पे जाने के लिए बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ डिज़ाइन की गई हैं, कोई भी स्पेस नहीं ले रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीढ़ियाँ छोटी हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे डोर मिल जाती है आपको, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने डोर यहाँ पे जो है लगाई है, काफ़ी मजबूत डोर है। और ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई बोर्ड लगा दिया हो। नीचे दोस्तों, अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे फ्लोरिंग में पूरी तरीके से जो है टाइल्स लगाई हैं, विट्रीफाइड टाइल्स हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं। थोड़ी सी इसकी सफाई होनी बाकी है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था घर। इसकी बात कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया। और काफ़ी बड़ा है, मैं समझता हूँ इसमें तो 7 सीटर सोफ़ा भी आ जाएगा और दीवान भी आ जाएगा। और आपका सामने टीवी का पैनल बना दिया इन्होंने, टीवी भी लग जाएगा इधर। और काफ़ी बड़ा है, इस एरिया में आपको बिल्कुल भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आगे अगर फ्रंट छोटा है तो आपको लगेगा कि अंदर से स्पेस कम लगेगा। स्पेस काफ़ी रखा गया है और आपको काफ़ी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं लोग। और इसको आप दीवान डाल के यहाँ पे एक बेडरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे देखिए आपको मिल जाती है किचन, और किचन भी काफ़ी स्पेसियस है। किचन में काफ़ी स्पेस है और ऊपर से इसकी जो है नेचुरल लाइटिंग भी की गई है, सीधी सीधी नेचुरल लाइटिंग होगी। और यहाँ से ही आपका जो है किचन की जितनी भी गैस है वो बाहर भी जा सकती है। किचन में इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा ग्रेनाइट पत्थर है। और यहाँ पर इन्होंने जो है सिंक लगाई हुई है, डबल टैप सिस्टम है यहाँ पे, और दोनों में ही अच्छा पानी आता है। देखिए प्रेशर पानी का, पानी की कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। नीचे आप सिलेंडर प्लेस कर सकते हैं और काफ़ी स्पेस है, आप अपना कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहो तो फ्यूचर में इसको पूरी तरीके से फर्निश्ड भी करा सकते हो। ऊपर आपकी पूरी तरीके से ड्रॉअर्स आ जाएंगी और कैबिनेट्स आ जाएंगी, बहुत ही अच्छी स्पेस हो जाएगी। किचन के आगे अगर हम आते हैं तो आपके यहाँ पर नेचुरल लाइटिंग के लिए इन्होंने ऊपर जाल लगाया हुआ है जिससे कि आपकी ब्रीदिंग होती रहे। और हमें भी यहाँ पे इतने दिनों बाद ही बंद खोला है हमने, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई गैस जैसी बनी हुई है। बहुत ही अच्छी तरीके से नेचुरल लाइट और हवा आ रही है ऊपर से। और यहाँ पे है हमारे बाथरूम, और देखते हैं हमारा वॉशरूम है। बाथरूम भी काफ़ी अच्छी टाइल्स लगाई हुई है, लगभग 7 फिट तक इन्होंने टाइल्स दिए। यहाँ पर शावर लगा हुआ है और अच्छी तरीके से ये फ्लैट को इन्होंने बनाया है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छी टाइल्स है, नीचे भी फ्लोरिंग अच्छी टाइल्स से की गई है। और नहाने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है, बड़े आराम से नहा सकते हैं इसमें, कपड़े भी अपने धो सकते हैं। बाहर आ जाती है हमारी वॉश बेसिन। और ये हमारे यहाँ पे वेस्टर्न सीट आपको मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वेस्टर्न सीट है और फुल्ली फर्निश्ड है ये भी, पूरी तरीके से टाइल्स लगाई हुई है इसमें। यहाँ पे दरवाजे हैं वो एक तरीके से बोर्ड के हैं, जो प्लास्टिक का बोर्ड है ताकि गले ना, और इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, आपको पूरा वुडन लुक में ये दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अपने मेन बेडरूम की। ये आपका काफ़ी बड़ा लार्ज बेडरूम है, यहाँ पे एक बेड। तो दोस्तों, ये है हमारा काफ़ी एनलार्ज बेडरूम की बात करें तो, और इसमें काफ़ी स्पेस है और इसमें पूरा बेडरूम आप प्लेस कर सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको बोर्ड मिल गया है पूरी तरीके से लाइटिंग के लिए, एक बोर्ड उधर भी मिल गया है। आप यहाँ पे अपना लार्ज किंग साइड अपना बेड यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर भी काफ़ी स्पेस बच जाएगा। आपके यहाँ पे एक सोफ़ा भी फिर भी आ जाएगा अगर आप 5 सीटर सोफ़ा डालना चाहते हैं, इतना स्पेस है इसमें। और ऊपर काफ़ी अच्छा POP का वर्क किया हुआ है और सामने से वेंटिलेटर गिवन है, वेंटिलेटर ऊपर, वेंटिलेटर से भी आपकी अच्छी खासी हवा का आना जाना रहेगा। और पूरी तरीके से स्पेसियस है, यहाँ पे नीचे फ्लोर में टाइल्स की बने और ऊपर छत का जो है पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने POP की हुई है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों, आइए आपको फिर से घुमा देते हैं एक बार में।
और दोस्तों बहुत ही रीज़नेबल रेट पे, बहुत ही सस्ता है, कोई भी इसको ख़रीद लेगा। और एक फैमिली के रहने के लिए बहुत ही रीज़नेबल रेट हैं इसके, और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सस्ता हमें मिल जाएगा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको इसकी छत की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ऊपर से आप बिल्कुल नेचर का भी लुफ्त उठा सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लॉबी गिवन है। यहाँ पे आप अपनी चेयर डाल के आराम से सनलाइट का मज़ा ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऊपर भी इन्होंने एक स्टोरेज टाइप का बना दिया है, यहाँ पे आप अपना सामान यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी प्यारी छत है। आप यहाँ पे शाम को बैठ के आराम से चाय का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी लंबी छत है और चारों तरफ से ग्रीनरी से घिरी हुई है। इधर पेड़ मिल जाते हैं आपको। और कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पे आपको रोडवेज़ मिल जाएगा, और 5-6 मिनट की दूरी पे ही आपको रोडवेज़ और रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, जो कि जाता है सीधे दिल्ली के लिए, मुरादाबाद के लिए। और रोडवेज़ से भी सारी बसें देहरादून, दिल्ली, बरेली, हर जगह के लिए बस मिल जाती हैं। और पास ही में सामने ही रोड है, लगभग होगी 200 मीटर आगे, और ये रोड जाती है हमारी रामनगर को, रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल ही हाईवे के पास है, और ये कॉलोनी बहुत डेवलपिंग है, और रेलवे स्टेशन के और रोडवेज़ के काफ़ी पास है। तो दोस्तों ये एरिया आपने देख लिया है, तो अब हम आपको ड्रोन से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर से इस पूरे एरिया को दिखाने वाले हैं, किस तरीके का दिखता है, क्या कनेक्टिविटी है। दोस्तों अब आता है मेन पॉइंट। क्या है वो मेन पॉइंट? इसकी प्राइस। जी हाँ दोस्तों, प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, और प्राइस सुनकर आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। मात्र 11 लाख रुपए में मिल जाएगा आपको ये 10x55 स्क्वायर फीट का ये बहुत ही अच्छा फ्लैट, जो कि है काशीपुर में और कचनाल गाजी कुमाऊँ कॉलोनी में मौजूद है। बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको मिल रहा है, मात्र 11 लाख रुपए में। अगर आप इसको और नेगोशिएट करना चाहते हैं तो इसके ऑनर से आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, और 11 लाख रुपए में मिल जाएगा आपको पूरा मकान, और ये पूरी की पूरी छत भी आपकी होगी। आप इसके पूरी तरीके से मालिक रहेंगे, अड़ोस में पड़ोस में आपकी जान पहचान भी पड़ेगी। रोड पूरी तरीके से है और पूरी तरीके से कनेक्टेड है हाईवे से। 15 से 20 फुट की रोड आपको यहाँ पर मिल जाती है नीचे, और अभी थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया इसलिए सस्ता मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों।